सो गाइज असी हो गए फ्री और बस छुट्टी होने वाली आ थोड़े जहा टाइम बाद पेरेंट्स आना शुरू हो गए बच्चों लैन और बच्चों भेज के फिर मैं जाना है घर। एक्चुअली मेरी एक मजबूरी है मैं घर इस करके नहीं होने जा पा रही बिकॉज मेरी जो स्कूटी है वह गई आ सर्विस वास्ते मामा जी लेके गए और अजे टाइम लगना है। जिस तरह ही मेरी स्कूटी आँदी आ फिर मैं जाऊँगी अपने घर यानी कि अपने घर नहीं अपनी मम्मा के घर फटाफट जोत नू लैके फिर मैं जाऊँगी अपने घर। सो मेरे लागे बैठी है सुखप्रीत। हेलो गाइस सुखप्रीत नू भी फोन आना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली सुखप्रीत दे हसबेंड कित्थे है सुखप्रीत गुजरात सुखप्रीत दे हसबेंड गुजरात ने और उत्थे जॉब करते हैं और डेली सुखप्रीत नू बहुत लंबे टाइम वास्ते फोन भी आता है और इस तरीके ना लगता है कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे ना छोटी छोटिया गल्लां कर रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली एक एक घंटा। मोस्टली असी देख सकते हैं कि 90% केसिस दे विच हसबेंड वाइफ बहुत लंबी टॉक नहीं करते बहुत लंबा कम्यूनीकेशन नहीं करते बट ये करते हैं। बहुत ही प्यारा कपल है गॉड ब्लैस दैम हमेशा इस तरह प्यार बनया रहे इन्हों का और सुखप्रीत भी बहुत नाइस है और मेरे लागे आके बह गई है। हाँ जी सुखप्रीत छुट्टी का टाइम हो गया चलिए घर तो चलो जे चाह पीनी है तो बना लो नहीं तो फिर चलते हैं। नहीं मैं तो नहीं पीनी मैनू तो अज ऐ लगता जिस तरह बीपी जहाँ वध्या। सुखप्रीत टैटू बनाया है की लिखाया है? वाओ बहुत सोहना है शहरी नेम है तुहाडे हसबैंड का वाओ ब्यूटीफुल बहुत ही वधिया लग रहा है सुखप्रीत का टैटू और मैनू भी बहुत शौक है टैटू बनवाउण का लेकिन मैनू डर भी लगता है। दर्द होया सी? बिल्कुल नहीं दर्द होया बट मैनू ऐ लगता है कि अगर बनवावे हल्का जहा मैं देखा बनता देखा हो सूईया जी चुभदियाँ लेकिन मे बी ना दर्द हों सही दसो सुखप्रीत मैं लगता है दर्द होंगे अच्छा माड़ा जहा साड़ जहा पता है कितों बनवाया अमृतसर हाँ ठीक है। सो सुखप्रीत ने तो लिखा लिया अपने हसबेंड का नेम और मैं पता नहीं अपने मैं नहीं लगता कि मैं लिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे इन्नी विल पावर नहीं हैगी कि मैं एक टैटू लिखावा पेन सहन करके लेकिन समटाइम्स मेरी सिस्टर भी कहती होंगी है कि जोत का नेम लिखा लो और उन्होंने अपने बेटे का नेम लिखाया है। देखो अगर कभी मूड बन गया फिर डेफिनेटली जोत वास्ते तो मैं पेन लैन लिए तैयार हाँ। सो ठीक है गाइज फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं घर यानी कि मम्मा दे घर और उस तो बाद जाने अपने घर। सो गाइज अद्धा घंटा हो गया और मैं बैठी हूँ और वेट करना होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और थोड़ा टाइम पहले मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हल्का जहा बढ़ जाता है हूँ पता नहीं समझ नहीं आता कि बीपी क्यों बढ़ने लग गया। टाइम मिलते ही मैं प्रॉपर एक बार चैकअप करवाना है सारी बॉडी का कि बीपी क्यों बढ़ना स्टार्ट हो गया जिदा करके सिर दर्द होने लग जाता है और बॉडी के एकदम अचानक लगता है भी काली जी पैंदी है मतलब एक वधिया जा नहीं लगता बेचैनी जी होंगी है। सो थोड़ा जहा पीसफुल जहा एनवायरमेंट क्रिएट किया टीम मैंबरस ने पानी पीता ज़्यादा शूज़ रिमूव किए और कुछ मिठा खाधा थोड़ा जहा जिदा करके हूँ थोड़ा ठीक लग रहा है और नाल दे नाल ही बस मैं वेट करी जा रही हूँ। हूँ मैं इट मे बी पॉसीबल कि मम्मा को जाके ना थोड़ा जहा रैसट करूँगी और रैसट करने तो बाद क्योंकि ओबियसली जोत सो रहा हूँ इस टाइम जो भी मैं जाती हाँ जोत स्कूल तो आगे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड जहा फील कर लग जाता है क्योंकि 5-6 घंटे उन्होंने उत्थे रुकना पैंदा है और उस तो बाद फिर वो जो थक जाता है तो फिर सौ जाता है उन्होंने फिर सौन तो कोई नहीं रोक सकता उन्होंने नींद बहुत प्यारी है दोपहरे और उस तो बाद जिस तरह मैं जाऊँगी जेकर वो सौ रहा हो या फिर मैं भी सौ जाना मैं रोमाना एक घंटा अज रैसट करना और बस मामा जी तुर पे है उतों और ये जो डिस्टेंस है मेरे ऑफिस की और मामा के घर की ये लगभग कोई 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 5-7-10 मिनट लगते हैं थोड़ा मामा जी स्कूटी जी स्लोली चलाते हैं बहुत स्लो स्लो आ रहा हूँ उन्होंने ट्रैफिक भी हो जाता है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रश रहा है और मंडी का सीज़न भी चलना स्टार्ट हो गया यानी कि झोने तो बासमतियाँ आनियाँ स्टार्ट हो गई ट्रैक्टर के ट्रालिया के सो दैट इज़ वाई थोड़ा जहा टाइम लग ही जाता रास्ते। सो गाइज हूँ मैं बस फटाफट पहुँची अपनी मम्मा के घर और फिर
दरवाजे ते नजरा रख के मैं कर रही हूँ मामा जी का वेट, क्योंकि हुण काफ़ी टाइम हो गया है, अद्धा पौना घंटा हो गया है और स्टाफ चला गया है, मैं कल्ली बैठी हाँ। सुखप्रीत मेरे कोल आ, सुखप्रीत बस मैनेज कर रही है सारा कुछ कल वास्ते, और उस तो बाद फिर वो मेरे जाने का ही वेट करती होंगी है, क्योंकि वह कल्ला नहीं मैनू छड़ के जाती कि मैम जदों जाएंगे फिर ही मैं घर जाऊँगी। सो बस मामा जी के आउंदियां ही दरवाजे ते जिवें नज़रां बिछाए बैठे हैं, मामा जी के आउंदियां ही मैं चली जाना है, नाल दी नाल ही फिर सुखप्रीत नूं भेज देंगे। और सामने सुखप्रीत की स्कूटी खलोती आ, सुखप्रीत भी स्कूटी ते आउंदी आ। सो ओवरऑल सी इज़ आ नाइस लेडी, बहुत वधिया तरीके नाल काम करती है, सारा सेंटर संभालती आ, चंगे तरीके नाल मैनेज करती आ, एवरीथिंग सपोर्टिव भी आ। और एक्चुअली असी सारी टीम जो आ वो एज अ फ्रेंड रेंगे, कोई भी ये नहीं है कि ओनर का और एम्पलॉयज़ का कोई रिलेशन दे अप एंड डाउन वाला सिस्टम कुछ नहीं है, सारे जने रल मिल के टीम वर्क करते हैं और टीम वर्क करद हो अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं असं इतने। सो ओवरऑल एक गुड एनवायरमेंट असी बना के रखते हैं। सो गाइज ए बस जिमें ही मामा जी आते हैं मैं जा रही हाँ मामा के घर। सो गाइज मामा जी आ गया फाइनली, और बस उन्होंने एंटर कर लिया है और मैं उन्होंने नाल चली जूंगी मामा के घर। फाइनली वो एंटर कर गया। डिग्गी च रख दो सुखप्रीत, एक गिफ्ट आइटम है अमन ने मंगाया सीगा ते ओदे कोल दो तीन हो गए आ, चार जानी स्कूटी लेना है, तीन जानी आ रही है, फ्रूटी चाहिए है। सो गाइस असी आ गए एक दुकान च, इत्थे असी लै रहे हैं फ्रूटी, फ्रूटी दियो वीर जी छोटी जी। सो ये काफ़ी अच्छा सुपरमार्केट है और इत्थे असी जोत दी फ्रूटी लैन आए हैं। मामा जी पैसे दे दो। हाँ जी अंदर, और मैं जोत वास्ते जो चीज़ियाँ लेके आई हैं यानी कि चिप्स एंड चिप्स लिया और फ्रूटी लिया है, देखते जोत का की रिएक्शन है, किवें खुश होता है देख के। सामने मम्मा खलोते आ और मैनू वेख के भज चले अंदर नू, परौनी आ गई आ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡੇ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਫਟਾਫਟ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਦਰਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਣੀ ਆ? ਜੋਤ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਈ। सो गाइज मम्मा ने बना ली है गर्मा गर्म चाह, और चाह दे नाल मैं खा रही हूँ चिप्स, और ये बड़ा ही वधिया कॉम्बीनेशन है, बट मैं ज़्यादा नहीं खाने क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत तिखे चिप्स है। मम्मा ले लो, मम्मा खाएंगे चिप्स, मामा जी तो खाना खा रहे हैं, उन्होंने सवेर का खाना नहीं सी खादा,
और मैं एक दो चिप्स ही खाने हैं बस। क्रिस्पी होने करके सारियां नूं वधिया लगदे चिप्स, ये जिन्ने क्रिस्पी है ना उन्नी टेस्टी भी है। ये वाला स्पेशली स्पाइसी है, बच्चों के खाने वाला नहीं है, स्पाइसी है थोड़ा जब बिट स्पाइसी है, मतलब मिर्च लगती है जो खाने हैं। मम्मा खा रहे, मम्मा स्वाद है ना, बहुत स्वाद ना। सब तो ज़्यादा ये तिखा वाला चिप्स है, ये ज़्यादा वधिया लगता मैनू। लेज नहीं मैनू इन्ना पसंद, लेज बिल्कुल छोटे बच्चों वाला है। जोत पी रही है फ्रूटी, और जोत नु फ्रूटी बहुत पसंद है। जोत पसंद है, मामा नु थैंक्स बोलो, बोलो थैंक यू मम्मा जी, जो उच्ची सारी बोलो थैंक यू मम्मा जी। सो गाइज फाइनली घर आके सब तो पहले सांबे किन्ने सारे खिलारे, क्योंकि मैं तो जोते सारा दिन बाहर ही रहने, सारा दिन बाहर निकल जाता है साडा, बट बरार साहब कल्ले घर होंगे आ, सो नहाने लग्या कपड़े कुपड़े जिथे ला के सुटते हैं, टॉबल जो भी चीज़ा उन्होंने इधर उधर रख देनियाँ, बर्तन काफ़ी सारे किए होंगे आ। सो सारे खिलारे जेडे हूँ साम के फ्री हुई हैं, और जस्ट आफ्टर दीदी मैं फोन करता सीगा कि अज मेरी सेहत ठीक नहीं, तो मेरे तो खाना नहीं जे बनना, तो तुम साडा खाना बना लियो, तो दीदी ने साडा खाना बना के रख्या हुआ सी, मैं तो जोत ने खाना खा लिया, हूँ सिर्फ बराड़ साहब रह गए। और खाना खाने तो जस्ट आफ्टर मैं थोड़ी जी चाह पीनी है, क्योंकि अज मैं दोपहरे चाह स्किप की आ, मम्मा के घर फस्ट पी ली सी, बट सैकेंड जब मैं उधरों आ रही हाँ उन्होंने चाह बनाई सी, बट मैं नहीं पीती, और थोड़ा जहा गैप दिता है चाह नूं, क्योंकि बीपी थोड़ा हाई हो रहा सी, बट फिर मेडिसिन वगैरह लैके थोड़ी ठीक हुई है मैं, और हूँ थोड़ा ठीक लग रहा सी, इस करके पीवांगे एक कप गर्म गर्म चाह। अदरक वाली चाह मैं बनाने जा रही हूँ, ले आई हूँ मैं अपनी चाह, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक टी इन द इवनिंग फॉर मी गाइज, रोज़ मैनू शाम नू थोड़ी जी चाह जरूर चाहिए आ। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे विच चाह नहीं पीती, यानी कि ग्लास भर भर के चाह नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए आ, पर थोड़े थोड़े टाइम बाद चाहिए आ। सो इवें दी मेरी आदत आ, मैं बहुत ज़्यादा चाह एक टाइम तो नहीं पी सकती, बट थोड़ी थोड़ी चाहिए आ और बार बार चाहिए आ। सो गाइज चलो पी लिए चाह, तुम आखना कि गल् करते हैं पागल आ, किस तरह बोल रहे, बार बार चाह चाहिए चाहिए मज़ा आ गया गाइस। शाम नू चाह बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर दुखन लग जाता है, सारा दिन सिर खपा के इधर उधर दिया टेंशन चुक के सिर पे, और जो सिर दुखदा है तो वह एक ही इलाज है चाह, ठीक है। सो चाह मैं पतली पीनी हाँ, ज़्यादा संघनी चाह, ज़्यादा दुध वाली चाह नहीं पी सकती मैं, पतली पतली चाह यानी कि काली वाली तुम देख ही सकते हो, नॉर्मल जी टी ये मेरी फेवरेट है, और यही मैनू वधिया लगती है। सो फाइनली इत्थे मैं कर रही हाँ दुध गर्म, और ये मैं सौंफ जवैन पा ली आ, और ये हो रहा साडा दुध गर्म, और इत्थे साडे पौने जिहड़े कि असी सवेरे यूज़ करने आ, उन्हां नूं मैं गर्म पानी दे विच बॉयल करके धो के पा देने आ, और सवेर तक वधिया सुक जाने आ। सो इस तरह मैं अल्टरनेटिव एक अद्धा दिन छड्ड के अपने पौने जिन्हां दे विच मैं रोटी वगैरह वलेटदी हाँ उन्हां नूं धो के पा लैंदी हाँ, और रात नूं अगर आपां इन्हां नूं धो के पा दईए तो सवेर तक बिल्कुल वधिया क्लीयर हो जांदे साफ सुथरे। सो इस तरीके नाल साडा जो किचन रूटीन है वो सारा कंप्लीट हो चुकिया है, काउंटर भी मैं साफ कर लिया, बर्तन साफ कर लिया। सो हूँ बस मैं जा रही हूँ जोत कोल। सो गाइज जोत तो बस सौने वाला है, लेकिन वो फोन पर बिजी आ, अपने पापा के फोन कुछ कार्टून वगैरह देख रहा है, और लागे ही रखी है उन्हें अपनी बड़ी सोहनी क्यूट जी साइकिल, ये नानी ने गिफ्ट की थी जोत को, कोई ना कोई व्हीकल मेरा बच्चा अपने लागे रख के फिर ही सौंदा है, मोस्टली उन्हें ट्रैक्टर पसंद आ, जेकर बेस्ट गिफ्ट जोत नूं देना होवे ना तो फिर ट्रैक्टर दे सकते आपां।